met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. हम लोगों ने आज क्या किया है, कैब बुक कर लिया है जो कि हमको फुल डे पूरा सिटी टूर करवाएगा। ये हमको पड़ रहा है 1800। एक्चुअली आप लोग थोड़ा चीप में जा सकते हो, आप लोग ऑटो हायर कर सकते हो जो यहाँ पे फुल डे के लिए 700-800 लेगा, और आप बाइक भी ले सकते हो जो 400-500 लेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इतना सडन बारिश हो रहा है और हमारे साथ हमारा बेबी है, तो इसीलिए हम लोगों ने कैब बुक करना ज़्यादा प्रेफर किया। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। अभी आए हैं बड़ी लेक में, जो कि उदयपुर के फेमस लेक्स में से एक है। ये उदयपुर मेन सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये महाराणा राज सिंह ने बनाया था, और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा पार्क भी बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी लेक। बड़ी लेक सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ आप फोटोशूट वगैरह भी करने आ सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है बाहुबली हिल, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब गए थे तब वो बंद था। बड़ी लेक से निकलने के बाद हम हमारे दूसरे डेस्टिनेशन शिल्पग्राफ पहुंचे, जो कि 15 मिनट के दूरी पे ही है। उदयपुर में अगर आपको विलेज वाली वाइब का अनुभव लेना है तो आप शिल्पग्राम जरूर आइए। यहाँ की एंट्री फीस 55 रुपीज पर पर्सन है, और ये सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उनके कल्चर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। Guess New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. शिल्पग्राम में आपको बहुत ट्रेडिशनल और लोकल आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे, जिनके साथ आप नाच गाने का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ हमने भी खूब एंजॉय किया, और हाँ, आप यहाँ आते हैं तो इनको सपोर्ट करना मत भूलना। लंच करने हम पहुंचे रजवाड़ा वाइट्स, जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। यहाँ आप ट्रेडिशनल डांस का लुफ्त उठाते हुए लंच कर सकते हैं, बट बहुत गर्मी होने के कारण हमने अंदर बैठना प्रेफर किया। यहाँ आए तो आप राजस्थान का फेमस डिश लाल मांस ज़रूर टेस्ट करें। सो आज हम ये कार बुक किए हैं, ये हमको पूरा उदयपुर सिटी घुमा रहे हैं, और मैं ये उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप उदयपुर आए तो इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ये आपको सारी जगह अच्छी तरह से घुमा लेंगे।
और आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी सजेस्ट करेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं और ऑथेंटिक राजस्थानी फूड का मज़ा भी ले सकते हैं। और ये हमारे साथ प्रक्षित जो कि इस टूर का बहुत मज़ा लेते हुए आप देख पा रहे कितना बदमाशी कर रहा है। तो ठीक है, चलिए आपको पूरा घुमाते हैं उदयपुर। इवनिंग में उदयपुर की सबसे मनपसंद जगहों में से एक है फतेह सागर लेक। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग और बोटिंग का लुफ्त उठाने के साथ साथ बॉम्बे मार्केट का मज़ा भी ले सकते हैं, जो कि स्ट्रीट फूड का भंडार है। शाम को यहाँ आपको खचाखच भीड़ देखने को मिलेगी। बगोर की हवेली गंगोर घाट के किनारे बसा एक म्यूज़ियम है, जहाँ की एंट्री फीस 60 रुपीज़ पर अडल्ट है, जिसमें कि आपको पपेट म्यूज़ियम, टर्बन सेक्शन, वेपन सेक्शन और वेडिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इवनिंग में डांस शोज भी होते हैं, जिसका टिकट प्राइस 90 रुपीज़ पर पर्सन है। हेलो गाइस, तो आज हम आए हुए हैं बगोर की हवेली में। ये गंगोर घाट के पास में ही है। यहाँ पे आप आए तो पपेट शो, टर्बन म्यूज़ियम ज़रूर देखें। तो चलिए आपको घुमाते हैं। यहाँ के टर्बन म्यूजियम में राजा रानी के काल में पहने जाने वाले तरह तरह के टर्बन्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ आप यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टर्बन भी देख सकते हैं। टर्बन म्यूजियम के बाद यहाँ आप वेडिंग म्यूजियम को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। शादी के हर नीति नियम को यहाँ बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया है। दिन भर की थकान के बाद सुकून से भरा कुछ समय बिताने के लिए गंगोर घाट से बेहतर जगह नहीं हो सकती। पिचोला लेक के किनारे बैठकर वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ से डूबते सूरज को देखना एक अद्भुत अनुभव था। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप उदयपुर आए तो गंगोर घाट में ज़रूर समय बिताइएगा। White out skies, middle November, you and I, flights to